तो अभी तक हम ये इसलिए डर रहे थे, ये सस्पेंस बना हुआ था कि जो तीसरी लहर आने वाली है वो बच्चों के लिए कितना घातक है, कितनी ज़्यादा खतरनाक होने वाली थी। पर फाइनली आपके लिए खुशखबरी है, आपके बच्चों के लिए खुशखबरी है कि दिल्ली एम्स और पटना के जो एम्स है उन्होंने सम्मिलित रूप से जो ट्रायलिंग की थी बच्चों पर टीके की, उसमें से 55 से 60% बच्चों की रिपोर्ट आ गई है। और आपको जानकर हैरानी होगी, आप भी क्या डॉक्टर खुद हैरान है कि जो 1 लाख बच्चों पर जो सर्वे किया गया था उनमें से 55 से 60 हज़ार बच्चों में जो संक्रमित तो हुए थे, यानी कोरोना से इन्फेक्टेड तो हुए थे, लेकिन उनमें जो कोरोना से संक्रमित होने के बाद जो एंटीबॉडीज बनी उसके कारण उनमें जो सिम्टम्स हैं कोरोना के लक्षण दिखाई नहीं दिए। और बहुत बड़ी बात यह है दोस्तों कि वह बीमार नहीं हुए, यानी वो इन्फेक्टेड तो हुए लेकिन वह बीमार नहीं हुए, क्योंकि उनके एंटीबॉडीज इतने पावरफुल थे कि कोरोना के जो वायरस थे उनको ज़्यादा प्रभावी नहीं हो पाए। यानी फाइनल इन्फेक्टेड तो दिख रहा है उसमें जो उन्होंने ट्रायलिंग की है, लेकिन उनको खास बीमार नहीं हुए, नेचुरली जो सर्दी खांसी हुई उसमें वो 1-2 दिन में ठीक हो चुके हैं। तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, इससे जो जो सर्वे किया गया दिल्ली एम्स और पटना एम्स के द्वारा, इससे कई हद तक साबित होता है कि जो कोरोना की तीसरी लहर के प्रति जो भ्रांतियां हो रही कि बच्चे ज्यादा इन्फेक्टेड हो जाएंगे, क्योंकि हमने फर्स्ट लहर में क्या देखा कि 45 से ऊपर वाले जितने भी लोग थे वो 45 से ऊपर वाले फर्स्ट लेयर में कोरोना इंफेक्टेड हुआ, सेकंड लेयर में 45 से कम के उम्र वाले। अब फाइनली लग रहा था कि तीसरी लेयर बच्चों के लिए बहुत ही घातक होगी, लेकिन दिल्ली और पटना के एम्स ने जो सर्वे किया है, जो ट्रायलिंग की है टीके की, उससे यही साबित हो रहा है कि बच्चों पर यह असर नहीं करेगी। वो इन्फेक्टेड तो हो सकते हैं लेकिन ज़्यादा प्रभाव नहीं डाले कोरोना से। तो फिर भी हमें सतर्क रहना है, अपने बच्चों को सतर्क रहना है। लेकिन फाइनली दोस्तों ये खुशी खबर है, इसलिए मैंने आज जहाँ पर खड़ा हूँ वहीं पर ये वीडियो बना ली है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे भी बच्चे, ये मेरे लिए और आपके लिए भी बहुत ही खुशखबरी। और ये जो अपडेट है अभी का है, हाल ही का है, और दिल्ली एम्स तथा पटना ने ये आंकड़े सार्वजनिक भी कर दिए, आप चाहें तो उनकी रिपोर्ट देख सकते हैं, जिसको देखकर आपको बहुत ही खुश खबरी हो, खुश होंगे आप।